हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, ये है जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 3/2018 का, उसकी ये वीडियो है और ये फीमेल वाला पेपर है। तो देखिए, यदि आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है तो एक बार इस ओल्ड पेपर को ज़रूर देख लेना। इससे काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, संख्याओं 5, 8, 13, 34, 55 और 89 के क्रम में एक्स का मान क्या है। तो देखिए, इसमें आएगा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, इसमें 21 आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है और कम से कम एक बार पश्च भाग प्रकट होने की प्रायिकता कितनी रहेगी। तो देखिए, उसकी जो प्रायिकता रहेगी वह रहेगी 3/4 और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत वर्ड प्रोसेस है। तो देखिए, यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, वर्ड परफेक्ट ऑफिस, इसमें ऑप्शन सी बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 6^9 -5 को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष कितना रहेगा। तो देखिए, इसमें शेष 1 बचेगा और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, आप ये जो सवाल हैं इनको वीडियो को रोककर फिर आराम से निकाल लेना। मैं ये सीधे आंसर बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। अगला क्वेश्चन है, नई रणनीति द्वारा सूत्रकर्मी प्रतिरोध तम्बाकू पौधे विकसित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं RNS इंटरफेरेंस के द्वारा और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डैश को 2017 में हिंदी साहित्य में उनके योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो देखिए, वह मिला है कृष्णा सोबती को और इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिला था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 2x + y³ (4) और इस सभी की पावर 7 के विस्तारण में पदों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा, 29 आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वह इकलौता व्यक्ति जिसने दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो देखिए, जो दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है वह है GL नंदा और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे। तो देखिए, इसके लेखक थे उदय भानुहंस और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का बृहत्तम राज्य कौन सा है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है भारत का, तो वह आएगा राजस्थान और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगर पालिका संस्थाओं के संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन कौन सा है। तो देखिए, जो पंचायत राज और नगर पालिका से संबंधित है आर्टिकल, तो वह आएगा 73 और 74 और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए, संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेक्षण डैश यानी इसमें आएगा ऑप्शन बी, लैन के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो सबसे कम मिलता है ओलिवर ट्विस्ट और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा धमतान साहिब डैश की स्मृति में बनाया गया। तो देखिए, यह बनाया गया गुरु तेग बहादुर की स्मृति में और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु फोकस से D1 दूरी पर रखी गई है और वास्तविक प्रतिबिंब D2 दूरी बनाता है, तो दर्पण की फोकल लंबाई कितनी रहेगी। तो देखिए, इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निजी संविधान है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, जब ये एग्ज़ाम लिया गया था तब जम्मू कश्मीर का एक निजी संविधान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो देखिए, जो विश्व विरासत स्थल नहीं है वह है बलेरू हेलेबिडू स्थल, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फरल ग्राम में फागु उत्सव कब होता है? तो देखिए, फरल ग्राम में जो फागु उत्सव होता है वह होता है सोमवती अमावस्या को, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो देखिए, ये 2018 का एग्जाम हुआ था हरियाणा पुलिस का, उस टाइम वर्तमान जो स्पीकर थे वह थे कंवर पाल गुर्जर, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिलियन कैरेक्ट्स को दर्शाता है? तो देखिए, जो गीगाबाइट है वह बिलियन कैरेक्ट्स को दर्शाता है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी सामान्यतः डैस को मनाते हैं? तो देखिए, जो बैसाखी मनाई जाती है वह मनाई जाती है 14 अप्रैल को, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 400 लोगों के एक सर्वेक्षण में 100 लोगों को सेब का रस पसंद है, 150 को नारंगी का रस पसंद है, और 75 को दोनों का रस पसंद है, न तो सेब न ही नारंगी का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, 225। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसे सर्व मान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, तो वह है सन यात सेन, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो देखिए, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है वह है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। और आपको बता दें कि ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर डैश हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए, इसमें आंसर आएगा वस्तु आरंभ करने के लिए, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या रहेगा? तो वह रहेगा n+1/2, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की? तो देखिए, यह शुरू की थी पानीपत शहर में, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखी हुई एक चुंबकीय सुई को 60 डिग्री घुमाने के लिए W इकाई कार्य की आवश्यकता है, सुई को इस स्थिति में बनाए रखने के लिए वांछित आघूर्ण बल है, तो यह आएगा इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने आनंद से कहा, कल मैंने मेरी नानी की बेटी के इकलौते भाई को हराया, तो राहुल ने किसे हराया? तो राहुल ने हराया मामा को, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर देवी के सम्मान में मनाया जाता है, तो देखिए, जो गणगौर है यह किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गौरी के में, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, समरूपता युग्म पूर्ण करें, जैसे पक्षी मछली तो हवाई जहाज, तो वह होगा पनडुब्बी, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दो पानी के नल एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं, और टंकी को अलग से भरने के लिए बड़े व्यास वाला नल छोटे वाले नल को 2 10 घंटे कम लेता है, तो टंकी को अलग से भरने के लिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात करें। तो देखिए, यह आप निकाल कर देख लेना, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 15 घंटे। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है, तो वह आएगा उरुस्वती संग्रहालय, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। और जहाज की कोठी मंडलीय संग्रहालय यह है हिसार में है। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसे एशियन के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है, तो वह आएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, और सिंगापुर और थाईलैंड।
तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यह आएगा मनबीर सिंह भड़ाना, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 36, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा वह रहेगा डी। अगला क्वेश्चन है 37, देखिए ये सभी क्वेश्चन आप निकाल कर देख लेना, यदि हम निकालेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये जो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, C4 पौधों की मोजीफिल कोशिकाओं में प्राथमिक CO2 ग्राहियों का नाम बताइए। तो इसमें आएगा फोस्फाइनल पारूवेट, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डैश मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है, तो वह आएगा रोम, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्भव डैश द्वारा दिया गया, तो देखिए इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक C++ प्रोग्राम में वर्ग के सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप में डैश होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा, निजी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के डैश रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, तो देखिए वह किया गया था पलवल से, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं, तो देखिए जो हरियाणा के लोकायुक्त हैं वह है न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दूध में किस तत्व की कमी है? तो देखिए जो दूध में कमी है वह है लोहा की, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी कृषि डैश में बहुत ही सफल हुई, तो देखिए यह हुई डेनमार्क में, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या कितनी है? तो देखिए यह संख्या है बैंकों की 14, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए यह शक्ति है राष्ट्रपति के पास, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला इस स्थान पर जन्मी थी, तो देखिए वह आएगा करनाल में, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 49, और इस 49 क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही रहेगा, 1/3। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं, तो यह आएगा हिसार में, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता की धारणा के साथ आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत लगता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, सभी धर्मों का समर्थन करने वाला राज्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उमंग ऐप जारी किया है, यह डैश के लिए है, तो यह है सभी ई गवर्नमेंट सेवाओं हेतु एकल खिड़की प्लेटफॉर्म, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग उद्गीर्त किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है, तो वह मिलता है ब्रह्म सरोवर में, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जाती है तो अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितने दो अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है? तो यह आएगी 10 बनाई जा सकती है, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 55, और इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना था? तो ये बना था 1970 में, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जीई नाभिक की त्रिज्या, तो देखिए ये 57 वाला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा, 72। अगला क्वेश्चन है 58, यदि जेड बराबर 52 और ACT बराबर 48 है तो BAT के बराबर है, तो इसमें आएगा 46, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 59, और 59 में ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, सहभोजिता। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली से पंजा संबंधित है उसी प्रकार खुर डैश से संबंधित है, तो इसमें आएगा ऑप्शन ए घोड़ा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में है, तो यह आएगी उत्तर पूर्व में, और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथन 3.0 में फ्लोर युक्त विभाज्य है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 63, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे डैश चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, झज्जर का। अगला क्वेश्चन है, अनार्जक संपत्ति जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह डैश से जुड़ी हुई है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, बैंकिंग प्रतिष्ठान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, तो देखिए 66 में इसमें सही रहेगा ऑप्शन ए 84 और 47। अगला क्वेश्चन है, यदि, तो देखिए जो 67 है इसमें ऑप्शन सी करेक्ट सही रहेगा, 4। अगला क्वेश्चन है, एक लक्षण जो बहुत सी जीन द्वारा निर्धारित होता है और पृथक विभिन्नताएं नहीं दर्शाता तो वह कहलाता है, तो 68 में ऑप्शन सी सही रहेगा, मात्रात्मक लक्षण। अगला क्वेश्चन है, यदि कैपिटल को शब्द, तो देखिए इसको भी आप करके देख लेना 69 को, इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 70, और 70 में ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कलोनडोली डैश में बनी, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, भेड़। अगला क्वेश्चन है, हवा सिंह ने 1966 और 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता, तो देखिए यह जीता इन्होंने मुक्केबाजी में, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, तो यह है दिल्ली में, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तांगरी नदी की सहायक नदी है, तो देखिए जो तांगरी नदी है यह घग्गर की सहायक नदी है, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक बार में कई ग्राहियों को भेजा गया एक अनअपेक्षित ईमेल संदेश है, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, स्पैम। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 12। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने डैश साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया तो यह किया 12 मार्च 1930 को, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन स्वर्ण सोल डैश रंग का होता है, तो यह होता है लाल रंग का, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पेशाब मेघ ऊंचाई पर बनते हैं, नंबर 2 है कपासी मेघ रुई जैसे दिखते हैं, तो देखिए 79 है, इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे, तो वह थे राव तुलाराम, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 81, तो 81 में हमारा आंसर सही रहेगा,
किसी को केवल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि डैस द्वारा लिखी गई। तो देखिए, वह लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक डैस द्वारा जारी किया जाता है। तो यह किया जाता है UNDP के द्वारा और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में डैस एक वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, इसमें आंसर आएगा मोलिबेडनम के द्वारा और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा डैस को देती है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, किशन लाल भाट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 88 एक ज्यामितीय श्रेणी का चौथा पद अपने दूसरे पद का वर्ग है और पहला पद -3 है, तो ज्यामितीय श्रेणी का सातवां पद कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें आएगा ऑप्शन ए सही रहेगा, -2187। अगला क्वेश्चन है, समरूपता पूर्ण कीजिए, तो 87 वाला, इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा, 28। अगला क्वेश्चन है, इस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है। तो देखिए, इसमें आंसर आएगा, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, चौधरी तैयब हुसैन। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत एज वेल एज अरबिक डैश थॉट देयर। तो देखिए, जो 89 क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, वाज। अगला क्वेश्चन है, 90 वाले में, इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, इज। अगला क्वेश्चन है, 91 में ऑप्शन ए सही रहेगा, 92 ही वॉज मच डैश बाई हिज लॉस। तो 92, इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, कास्ट डाउन। अगला क्वेश्चन है, 93 में ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 94, इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में कहते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा, हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, यह कौन सा वाच्य है? तो देखिए, यह वाच्य है कर्म वाच्य और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1 + 1 = 1 1, यह कौन सी संधि है? तो यह आएगी वृद्धि संधि और इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ढिंढोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका अर्थ होगा प्रचार करना और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो देखिए, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? तो देखिए, यह आएगा करण कारक और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का फीमेल वाला जो एग्जाम हुआ था उसको करवाया है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू।